इलेवेंथ क्लास को अगर हम क्लासिफाई करें, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आपके पास सबसे पहला पार्ट ही मैकेनिक्स है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको पता है, क्लियर। मेनली हमें मैकेनिक्स डिस्कस करना है, जिसके अंदर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। चार चैप्टर्स को मैं फर्स्ट मैकेनिक्स में, रोटेशनल अलग है, चार चैप्टर्स को मैं मैकेनिक्स के अंदर कवर करने जा रहा हूँ साथ साथ। बहुत टाइम लगेगा ऑब्वियसली, कुछ स्लाइड्स पब्लिश भी करूंगा, कुछ स्लाइड्स आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ देम, दिस इज द फाइनल राउंड। ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो क्वेश्चंस बोलूंगा उनको प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर हो सकता है आसान सा होगा तो व्हाट्सएप में ही बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन लंबी होगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो आप अपनी बढ़िया से फ्रेश नोट्स बनाएंगे इसके, मैकेनिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे बेसिकली हमने देखा है जो बेसिक्स हैं सीबीएसई लेवल के, वो आपको आने चाहिए, ध्यान देना। उनके बारे में अगर किसी को कोई चीज नहीं आती तो मुझसे बोल देगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज आई अज्यूम दैट सीबीएसई इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके आगे की बातें जो उसके अंदर की थोड़ी थोड़ी बातें यूज हो रही तो वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली जैसे हम यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सारी चीजों से डील करते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर सपोज करो हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, इसकी रेशियो दैट इज इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, नन, बताइए। आपको पता है डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम वैल्यू। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो हमारे पास डिस्टेंस बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, जहां भी डाउट है वो बात करेंगे आप। बहुत बेसिक से मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद देखिए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बोलता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की रेशियो भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं? That is greater than equal to one. Yes or no? अब एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, शुरुआत में तो बेसिक से ही स्टार्ट होगा थोड़ा सा, तो सुनते जाइए बस मेरी बात को ध्यान से, वो अपने आप ही मोमेंटम पकड़ लेगा क्वेश्चन। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इन पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अलग अलग पार्ट्स हैं जर्नी के, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, जितने भी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? इन सब का सम। और टोटल टाइम क्या हुआ? सारे टाइम का सम। अगर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लो यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, आपको स्पीड दे रखी कि x1 पे v1 स्पीड है, x2 पे v2 स्पीड है, x3 पे v3 स्पीड है, तो टाइम t1 क्या होगा? x1 by v1, t2 क्या होगा? x2 by v2, t3 क्या होगा? x3 by v3। मतलब आपको टाइम निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये चीज आप ध्यान देंगे इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चनियर्स पे आता हूँ, ये बेसिक बातें थोड़ा सा रिकॉल कराया है मैंने ताकि याद आ जाए थोड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, लिखिए, स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास एक व्हील है, इसका रेडियस आर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हील आफ्टर हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन रिस्पेक्टिवली आर डैश. मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ऑप्शन आपसे निकालने द ऑप्शन में आप नकल मार लोगे मुझे मालूम बहुत लोग. बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हील आफ्टर हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन दोनों के लिए क्या है, हाफ रोटेशन के लिए भी और फुल रोटेशन के लिए भी. बताओ जल्दी एनीवन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हील आफ्टर हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन. ऑप्शन दो क्या, इतना डिले हो तुम. पाई आर कॉमा टू पाई आर, पाई आर कॉमा जीरो, बोलो कौन बता रहा है आंसर. दक्ष क्या आंसर होगा इसका सर? सी. सी होगा. श्रेयांश क्या आंसर होना चाहिए इसका? श्रेयांश जो सर ए. मयंक यादव, मयंक यादव कौन है बेटा? नाम चेंज करके आएंगे आप? अनुज. कौन है? अनुज. अनुज अच्छा, अनुज यादव मयंक यादव बन गए सर. भाई का नाम है, अपने नाम से आया करो, कंफ्यूजन हो जाता है ना. अच्छा अनुज क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर बी. अच्छा श्रद्धा क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर बी. भारत मैं एक्चुअल में उसी हिसाब से मैंने कहा भाई पहले तो मैं थोड़े से हिंट दे रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा आऊं मैं आगे. भारत क्या आंसर होना चाहिए बोलो? सी लग रहा है. क्या लग रहा है? सी. सी. ईशांश, ईशान, तनिष्क बोलो, अर्श. नो आईडिया. आइडिया तो होना चाहिए यार. नो आइडिया इज द रॉन्ग वर्ड. देखो अब हम फाइनल राउंड पे हैं तो आइडिया तो लगाना है आपने, ध्यान देना ठीक है. बाकी हाँ आपको पता नहीं था, अभी आप लोग स्कूल में एग्जाम भी चल रही है, थोड़ा सा मैकेनिक्स में जो बेसिक सीबीएसई उसको रिवाइज कर लेना, ध्यान देना. और बेसिक के अलावा जिन्हें मैंने करवाया हुआ है, मैंने एक बार काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं बहुत क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, फिंगर टिप्स भी कर रखी है. अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. और ये भी बता दूं बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं. उसका रीजन ये कि अगर आप पेपर का पैटर्न देखो तो पैटर्न जो है आपका आपका कोर एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर उठ के आ रहा है. इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बाउंसर क्वेश्चन आ रहे हैं. 95% क्वेश्चंस दे आर जस्ट टिल्ट एंड ट्विस्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो. आपको कुल मिला के मैंने एक बात अगर याद हो पहले दिन बताई थी कि प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि आपसे क्वेश्चन नहीं होते, प्रॉब्लम ये होगी कि आपको सारा सिलेबस याद है कि नहीं. आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? याद आ रही बात? ये दिक्कत नहीं कि आपको आता नहीं, क्वेश्चन तो आपको सारे आते हैं, लेकिन आपको याद है कि नहीं याद है. उस टाइम पे फॉर्मूला याद आएगा या नहीं आएगा वो बात है. तो मैं आपको ये बता दूं इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के थोड़ा ट्विस्ट डाला था, क्योंकि क्वेश्चन मैंने करवाया था और उस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा था, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर ए है. एक बच्चे ने सही बताया. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैंने क्वेश्चन में चेंज डाला है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या व्हील का? ये मेरे पास व्हील है इधर देखो यार, ये व्हील का सेंटर ऑफ मास है. हाफ रोटेशन के बाद व्हील का सेंटर ऑफ मास इतना गया और फुल रोटेशन के बाद इतना गया. तो हाफ रोटेशन के बाद पाई आर होगा और फुल रोटेशन के बाद टू पाई आर होगा. सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, ध्यान देना. इस सेंटर का डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है आपसे, किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछता है वो भी बात तो देखनी जरूरी है. तो ये तो आधे रोटेशन के बाद पाई आर मूव किया और फुल रोटेशन के बाद कितना मूव किया? टू पाई आर. तो ऑप्शन इज ए. इज दैट ओके और नॉट?
अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, क्लियर है नहीं क्लियर पहले बताइए। यस सर। थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वरना मोमेंटम खराब हो गया, ध्यान देना। कि अगर एक दो जने भी बोलते जाएंगे, बाकी तो मैं सबसे बात कर लूंगा एक एक करके, तो कहीं डाउट है जिसको वो जरूर बोले, बाकी थोड़ा सा रिस्पॉन्स होना चाहिए क्लास में। अब देखिए इसी में क्वेश्चन में करो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। अगला क्वेश्चन, लोअर मोस्ट पॉइंट पी लिखो क्वेश्चन को, यही व्हील है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट पी ऑफ द व्हील। देखिए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर मोस्ट पॉइंट पी ऑफ द व्हील आफ्टर हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन। हाफ रोटेशन एंड फुल रोटेशन दोनों के बाद लोअर मोस्ट पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट। आपको वर्ड्स में क्लैरिटी समझ में आ रही होगी, पहले मैंने सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछा था, अब मैं किसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, लोअर मोस्ट पॉइंट पी का। इज दैट ओके? क्वेश्चन का अंतर समझ में आ रहा है? ये नहीं कि एक कर रखा है रट लिया। शिवम थलेड़ी, इज दिस क्लियर? यस। क्या क्लियर है, क्या पूछा था पहले? सर पहले सेंटर ऑफ मास का पूछा था डिस्टेंस, अब इसमें नीचे वाले पॉइंट का पूछा। डिस्टेंस नहीं पूछा था, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, है ना? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा। दक्ष आपको समझ में आया अपनी गलती कहाँ की है? यस सर। आपने वो क्वेश्चन कर दिया जो मैंने करवाया था, कौन सा? लोअर मोस्ट पॉइंट पी, लोअर मोस्ट पॉइंट का कर दिया। और मैंने क्वेश्चन इसीलिए चेंज किया था, मैंने कहा बेसिक क्वेश्चन डाल देता हूँ, सेंटर ऑफ मास का पूछ लेता हूँ। तीन चीजों का ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। अब आप देखिए जब ये लोअर, ये व्हील आगे बढ़ेगा, इधर देखिएगा, ये जब व्हील आगे बढ़ेगा तो आपके पास ये पॉइंट यहाँ पहुंच चुका होगा, पी यहाँ पहुंच चुका होगा। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो ये कितना है, सब लोग देखिए ध्यान से, आपके पास ये उठा कितना, 2r डायामीटर, और ये कितना शिफ्ट हुआ, पाई आर, है ना? ये पाई आर जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट था, पाई आर, और ये ऊपर उठ गया 2r। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज रिजल्टेंट 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट, आर बाहर आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट। इज दिस ओके? तो ये हो गया हाफ रिलेशन की बात। और अगर फुल की बात करता है, तो फुल की बात करता है तो हाफ में यहां पहुंचा पी, यहां से यहां, और फुल में फिर क्या हुआ, फिर यहां पहुंच गया। तो ये तो कितना आएगा, 2 पाई आर। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो ध्यान देना, फुल रोटेशन के बाद लोअर मोस्ट पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर ही है, और हाफ के बाद ये। तो इसको ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं धीरे धीरे। जल्दी करिए फटाफट। अभी आपके एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ दो दो तीन तीन घंटे की क्लासेस लगाएं, नहीं तो फिर ये कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैकेनिक्स लंबी है। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग कर चुके हैं अगर याद हो तो, मैंने पहले पब्लिश कर दिया था और उसको सबने कर लिया होगा, ध्यान देना। और एक एक करके मैं कुछ पब्लिश भी करता जाऊंगा और कुछ यहाँ भी करेंगे जल्दी। ये क्लियर है सबको? कितनों को क्लियर है यहाँ तक, हाथ रेज करिए। ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए, इनके अंतर, इनका ट्विस्ट एंड टर्न, अमित जीमीवाल समझ में आया तुम्हें? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको साथ साथ करते जाना क्वेश्चन, और कंप्लीट होने के बाद इनके नोट्स मुझे भेजने कि आपने किए हैं क्वेश्चन कि नहीं किए। ये मत सोचना हमें आ गए, क्योंकि आता तो आपको बहुत कुछ है, करके भी आना है। इधर अगला क्वेश्चन है, ए इंसेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। लिखिए क्वेश्चन, इंसेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी From point A to B find its displacement. Insect travels from point A to B, find its displacement. ये फिगर आपके सामने
इंसेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. आपके पास आपके पैकेजेस भी हैं, उनसे भी क्वेश्चंस ट्राई करते जाइए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया रहे, और बाकी अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रखिए. जल्दी बोलो बेटा, आंसर किसका आया? अदिति क्या आंसर है? अदिति व्हाट इज द आंसर? यस सर, सभी कर रही हूं. हर्ष सृष्टि सर कर रहा हूं. सृष्टि एनीवन, किसी ने कर लिया? सृष्टि सिंह आंसर है. तो कोई बोल रहा था, बोलो बेटा. सर आर, आर डिस्प्लेसमेंट नहीं सर, कर रही हूं. इतनी देर नहीं करना है बच्चे, जल्दी करो. श्रेया क्या आंसर है? सर अभी कर रही हूं. अरे वाह, सभी कर ही रहे. स्मित अन्ना हो तुम या नहीं हो? प्रियंका, मोनाली, हुआ किसी का? श्रेयांश क्या आंसर है? सर अभी कर रहा हूँ. क्या कर रहे हो यार तुम लोग इतनी देर तक? इधर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है ए बी. ये देखो इधर, ये लाइन खींची मैंने, यही है ना? तो बता दो क्या डिस्प्लेसमेंट है. ये ट्रायंगल है, इधर देखिए आपके पास सिमेट्री है. ये आधा एंगल थीटा बाई टू होगा. क्या हो गया गले में? अच्छा, आधा एंगल थीटा बाई टू है और दूसरा आधा एंगल भी थीटा बाई टू है. बोलो हाँ या ना. तो अगर ये ये आर है रेडियस, तो ये थीटा बाई टू है, तो ये क्या होगा? आर साइन थीटा बाई टू. और इधर वाला भी क्या होगा? आर साइन थीटा बाई टू. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टू आर साइन थीटा बाई टू. कितना हो गया? 2r sin theta by 2. ओके और नॉट ओके? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग. क्लियर है? नहीं क्लियर सर. क्लियर है. ये r है तो ये कितना होगा? r sin theta by 2. ये कितना होता है? ये r cos theta by 2. ये आपका r sin theta by 2, ये भी r sin theta by 2. ओके. यस सर. अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते जाइए. करीबन 150 क्वेश्चन है मैकेनिक्स में करने हैं. जो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन of a body, its velocity increases from 10 meter per second to 20 meter per second. 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. Find average velocity in this duration. Find average velocity in this duration. Find average velocity in this duration. हाँ, क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी, यू शुड नॉट टेक मोर देन 20 सेकंड्स फॉर सच क्वेश्चंस. निशा पांडे, क्या आंसर होना चाहिए? तनिशा कर रही हूँ अभी. खुश बोलो. भारत क्या आंसर है?
फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ साइड में बॉक्स में लिखते जाना, आपको पता भी हो तो भी लिख लेना, क्योंकि आपको पता होते तो आपने आंसर निकाल दिया होता। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एनी वन हु इज गोइंग टू गिव द आंसर जल्दी। एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू, तो दैट इज सिंपली 30/2 यानी 15 मीटर पर सेकंड। क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो, बोलो। यही था ना, एवरेज वेलोसिटी निकालनी ही नहीं पड़ती भैया यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में, u प्लस v बाई टू होती है सीधे सीधे, बोलो हाँ या ना। यस सर, होती है ना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप निकाल रहे हो पता नहीं 5 सेकंड देख के, पता नहीं डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस पर निकलेगा ही यहाँ पर, निकाल एक्सेलरेशन निकालोगे फिर डिस्टेंस निकालोगे, सीधा सीधा करो ना, u प्लस v बाई टू वन स्टेप, क्लियर। किसी को डाउट है तो बात करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते जाना बेटा साथ साथ, ध्यान देना और आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार, और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जैसे ये, तो ये साइड में लिखते जाओ, एक बॉक्स बनाते जाओ साइड में, एक कॉपी अपना फेयर कर लेना देख लेना जैसे भी। क्वेश्चन, एक कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी विद 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी फॉर सेकेंड हाफ। कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी विद 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी फॉर सेकेंड हाफ इफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी इज 45 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी इज 45 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना जो पॉइंट बता रहा हूं, अगर इक्वल पार्ट्स हैं जर्नी के, एक एक्स और दूसरा एक्स, दोनों बराबर हैं एक्स एक्स, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा होती है 2v1v2/v1+v2। अगर एन इक्वल पार्ट्स हैं इस तरह एक्स 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 जितने भी हैं, तो दैट इज सिंपली एन अपॉन 1/v1+1/v2। दो होते तो 2/1/v1+1/v2, तीन होते तो 1/v3, और जितने भी हैं उतने ले लेंगे 1/v, समझ रहे हैं। दो होते हैं तो क्या होता, 2/1/v1+1/v2, उसी को सॉल्व करने पर यह आंसर आ जाता है। गॉट इट और नॉट, याद रखेंगे इसको इक्वल पार्ट्स के लिए। कुछ तो बोलो बेटा, ऐसे फिर क्या मजा आएगा, याद रख लोगे इसको, याद समझ में आया। यस सर, यस सर। अब देखो इधर, तुम बोलते तो मुझे लगता है कि क्लास जिंदा है, वरना लगता है यार क्या पढ़ा रहा हूं मैं, फिर मजा भी नहीं आता। अच्छा अब देखो इधर, ये तो आजकल तो पता क्या है ऑनलाइन क्लासेस, यार बच्चे तो क्लास के साथ साथ ही लंच और डिनर भी कर डालते तो मतलब तुम समझो ना बात, पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना चाहिए हमें, जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो जब आप बोलते तो मुझे लगता है हाँ प्रेजेंट है, वरना मैं सोचता हूँ कि यार कोई बैठा भी है सामने की घूम घाम रहे, यहाँ रख दिया एक तरफ मोबाइल, एक तरफ चाय हो रही है ना, एक तरफ कोई सो रहा है और बगल में रखे कि हाँ सर भी बोल रहे, कुछ अच्छा सर ने बोला है क्या। इधर ये काम मत करना बेटा, इधर देखिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, एन अपॉन 1/v1+1/v2 इस तरह 1/vn। अब एवरेज वेलोसिटी दो पार्ट्स है तो 2v1v2 है ना, v1 कितना है 30, v2 कितना है पता करना है, अपॉन v1+v2 30+v, और एवरेज दे रखी 45, ये इक्वेशन बन गई मेरी, तो आ गया 60v = 45×30+45v। 45v को दूसरी तरफ ले जाओ, 60v में से माइनस करो, 15v = 45×30, 15 से 30 को काटो 2, तो आ गया 90, यानी सेकंड हाफ में स्पीड 90 होनी चाहिए। अगर सेकंड हाफ में स्पीड 90 होगी तो एवरेज आपकी 45 निकल के आ जाएगी। तो याद रखने वाला कॉन्सेप्ट ये है, जो एक ट्रिक बताई है इसको याद रखिए, बाकी कैलकुलेशन आपको आती है। और आपको बार बार बोला है, जो भी आपने अपने स्कूलिंग में पढ़ा है लास्ट ईयर वाला, उसको रिवाइज कर लेना एग्जाम खत्म होते ही। अभी ठीक है एक दो दिन, कोई बात नहीं, बाकी अगले हफ्ते तक रिवाइज कर लेना ताकि दिक्कत ना। और सेमीकंडक्टर साथ साथ
रोज एक क्लास, ताकि वो खत्म हो जाए। और ये मत सोचना ये मेरे सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा रह गया सेमीकंडक्टर सिलेबस में, लेकिन हमें कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमें पूरा करना है, और उसमें करीबन 15 स्लाइड्स हैं आपको बता दूंगा। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 स्लाइड हैं, लेकिन वो कौन सी वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है? आपको भी पहले पूरा करना है, फिर मैं बात करूंगा आपसे। गॉट इट और नॉट? सेमीकंडक्टर ट्यूजडे तक, यस सर। हां, और अपना एक बार मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दो चैप्टर रिवाइज कर लेना सीबीएसई से, जो स्कूल की कॉपी थी उससे। जिसने मेरे पास पढ़ा है वो मेरी कॉपी, जिसने यहाँ नहीं पढ़ा है डायरेक्टली सीआर एडमिशन लिया है तो वो अपनी कॉपी जो भी हो उससे पढ़ लीजिएगा बेसिक्स। और कोई चीज ना आती हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ लेना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ये नोट कर लिया आपने? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 A body is moving along a straight line. लिखते जाइए, मैं समझा रहा हूँ। It covers one half of the total distance with velocity v naught. जो total distance है उसके first half को v naught velocity से cover किया. One half of the total distance with velocity v naught. And the remaining distance is covered. With speed v1 for half time. And v2 for another half time. Remaining distance is covered with speed v1 for half time. And v2 for other half time, full stop. Average velocity for the complete journey is, options diye hue, ये जब ना ऑप्शंस में नन लिख देता है तो क्वेश्चन को खतरनाक कर देता है, क्योंकि आपके तुक्का लगाने का चांस खत्म कर देता है जब नन लिखता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वरना तो आप थोड़ा मोटा आइडिया भी लगाओ। नन का मतलब दुनिया में बाकी जो बचा सब नन में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। चलो करो बेटा फटाक से, इसे करना पड़ेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, करिए सभी लोग, लगाइए बुद्धि, ध्यान देना है, फाइनल रिवीजन है आपका, अच्छे से रिवाइज करिए, और जिन्होंने नहीं किया वो कंप्लीट करिए 11 पार्ट को जो करा रहा हूँ मैं एक भी चीज नहीं, मतलब रिवीजन मींस ये नहीं कि रिवीजन, वो सारा ही कवर कर रहा हूँ मैं दोबारा, और जो स्लाइड्स पब्लिश करूँ उनको ईमानदारी के साथ करते जाइए, सब हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा जल्दी। किसका किसका हो रहा है? अनन्या मोहंती, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। हर्ष, क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो जल्दी से करो बेटा इस पार्ट को।
हो गया जल्दी आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू सॉल्व जल्दी करिए फटाफट हो रहा है या मैं करूं मैं बेकार वेट कर रहा हूं कहीं देखिए जरा मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको इसने जो कहा है ना सेकंड हाफ में इसने ड्रामा किया हुआ है क्या कहता है जो टोटल डिस्टेंस है वो पूरे का आधा है सेकंड हाफ का मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स है ना डिस्टेंस के लेकिन उस डिस्टेंस में आधे टाइम में V1 स्पीड है और आधे टाइम में V2 स्पीड है इससे पता क्या चला मुझे इससे ये पता चला आधे टाइम में V1 स्पीड है यानी ये डिस्टेंस हुआ V1t और आधे टाइम में V2 स्पीड है तो ये डिस्टेंस हुआ V2t मतलब V1t और V2t का सम x के बराबर है अगर टोटल डिस्टेंस 2x माना है मैंने x हाफ दूसरे हाफ x में दो टाइम है इक्वल टाइम t तो V1t और V2t तो V1t और V2t मिला के क्या बन गए x तो अब एवरेज स्पीड होती क्या है टोटल डिस्टेंस यानी 2x अपॉन टोटल टाइम तो टोटल टाइम क्या हुआ यहां तक का टाइम देखो इसका टाइम क्या है ये टी की वैल्यू आ रही है x अपॉन v1 / v2 देखो जरा तो टोटल टाइम क्या है इसका टाइम क्या है x / v0 देखो प्लस में इसका टाइम क्या है जल्दी देखो 2t तो 2t क्या है 2x / v1 + v2 बोलो डू यू एग्री और नॉट ये आया आपका आंसर इसको सॉल्व करना है आपने लॉजिक ये था कितनों को समझ में आया लॉजिक अमित जिमीवाल समझ में आ रहा है तुमको यस सर तनीषा क्लियर है बेटा यस सर चलो ममता बहुत लेट आए तुम इतना लेट आ रहे हो बोल नहीं रहे अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा देखो x कॉमन आके कट गया तो ये आ गया आपके पास अब देखो 2 ऊपर है यहां पर आ गया v1 + v2 + 2 v0 और ऊपर आ गया v0 * v1 + v2 देखो आ गया तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है देखो भाई 2 v0 v1 + v2 ये ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन इज दैट ओके और नॉट बहुत प्यारा क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जेई में आया हुआ है पीछे ये क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करिए इसको और क्वेश्चंस लिखते जाना है ध्यान देना प्रैक्टिस आपकी साथ साथ चलती रहनी चाहिए इसके अलावा दो बातें जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको बॉक्स बना के साथ साथ लिखते जाना ये भी ऑप्शन में जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना सब्जेक्टिव टाइप के सब्जेक्टिव से मेरा मतलब जिनमें लैंग्वेज बेस्ड आंसर होते हैं वो वाले ये जैसे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब ये जा रहा है यूं तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है उसकी डायरेक्शन ये हो गई तो किसी भी टाइम पर जो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है मतलब कहने का मेरा ये हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या ये बात सही है पहला पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं और अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या ये बात सही है दोनों सही है अब इस क्वेश्चन दिया 1 2 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट पहला ऑप्शन अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 1 is correct and 2 is incorrect. B option, 1 is incorrect, 2 is correct. C option, both 1 and 2 are correct.
डी ऑप्शन बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट. टेल मी क्वेश्चन नंबर सेवन. सर ए. पक्का? श्रेयांश झा पक्का? यस सर. ठीक है, सही है. वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. वेलोसिटी में एक्स्ट्रा डायरेक्शन है. एक्चुअली मैं क्वेश्चन लिखने से पहले समझा चुका हूँ इस बात को, अगर आपने ध्यान दिया हो तो. मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया. वेलोसिटी क्या है? उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ, एक सेकंड बैटरी लो, एक मिनट. अब मैं ये बता रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो उसकी स्पीड के बराबर होती है उस इंस्टेंट की. लेकिन एवरेज एक ड्यूरेशन की बात होती है, एवरेज एक ड्यूरेशन की बात होती है. तो एक ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और जबकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. तो इनका मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं हो सकता जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन ना हो. तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब बराबर होता है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में. अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगी, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. तो वन इज द राइट ऑप्शन. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आप देखिए, इसके बाद आपको मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा यहां पर. जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेरा पार्टिकल जा रहा है, पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी है. बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? यहां टेंजेंट बना लो, है ना. अगर मैं कहूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन वी मूव या पार्टिकल मूव्स, वी छोड़ो पार्टिकल, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो लॉकडाउन में बंद कर रखा है. व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट? ए से बी, ध्यान देना. तो ए से बी आप डिस्प्लेसमेंट बनाइए, तो ये है आपकी डायरेक्शन इज. You got it or not? ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने कभी नहीं सुनी होगी. तो मैं यही बता रहा हूँ कि एग्जामिनर सोच सकता है कि भाई है क्या यार, डिस्प्लेसमेंट मार्क करो, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन. बोलो हाँ या ना. लिखते जाइए पॉइंट स्टार मार्क, जल्दी लिखिए इसको स्टार मार्क करके. हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, कोई बोलो, पूछो, कुछ पूछना है तो जल्दी करिए. और एक बार स्कूल के एग्जाम खत्म हो तो उसके बाद जान लगा के पढ़ लो, इलेवेंथ अच्छे से रिवाइज हो जाएगी. क्योंकि प्रॉब्लम ही ये है कि हम इलेवेंथ भूल चुके होते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, आपको आता नहीं है, भूल जाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम. उसको रिवाइज करिए ताकि आगे दिक्कत ना हो. इसको नोट करने के बाद चलो एक मैं और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूँ. डिफरेंट क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेन. अभी आप समझ लेना, इसको तोड़ मरोड़ के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं. मैं एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आता हूँ. एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपने इनको एक्सप्लेन करना है. पहला है डी बाई डी टी ऑफ वी का मैग्नीट्यूड और दूसरा आपके पास डी बाई डी टी ऑफ वी, इनमें अंतर क्या है? बोलो.
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें एक्सप्लेनेशन में दो तीन पार्ट्स हैं, ध्यान से देखिए। डी बाई डी टी ऑफ वी का मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ, डी बाई डी टी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, स्पीड है ना विद टाइम। बहुत ध्यान से समझना, वी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज यानी स्पीड का रेट ऑफ चेंज, और ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। गॉट इट, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दूं तो, और अदरवाइज मैग्नीट्यूड ना लगाऊं तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज व्हाट, एक्सीलरेशन सिंपली। अब सुनिएगा, अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बन सकता है तो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि ये क्या है। एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, बॉडी इज गिवन बाय, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय, ध्यान देना आजकल एग्जामिनर नया सोच रहा है, मैं आपको बता दूं तो हमें भी नया सोच करके क्वेश्चंस को समझना है। जैसे मैं अपने आप बना रहा हूं क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, पॉइंट आपको बताया, क्वेश्चन देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय व्हाट, पहला डीवी बाय डीटी, दूसरा डी बाय डीटी ऑफ वी का मैग्नीट्यूड, तीसरा डी बाय डीटी ऑफ वी का मैग्नीट्यूड, चौथा ऑल, चारो। आप समझे क्वेश्चन, मतलब देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, अगर आप ध्यान से ना समझ रहे हो तो ऑल द अबव, बच्चा सोचता है यार सारे के सारे, सारे ही सही हैं क्या, नहीं सिर्फ ए ही सही है। इज इट ओके और नॉट ओके, ये बोलो मुझे पहले, मतलब जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि yes, बाल की खाल निकालने वाली बातें हैं अगर आप ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को तो। कितनों को समझ में आ गया यहां तक, हाथ रेस करिए फिर हम आगे बढ़े, जिनको यहां तक क्लियर है। छोटी से छोटी बात भी मैं चाहता हूं कि आप समझें, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे बात करें, ये नहीं सोचना कि ये छोटा है, आजकल एग्जाम में छोटा ही ज्यादा आ रहा है। आप देखिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगातार जब से एनटीओ को दिया है क्वेश्चन मुश्किल नहीं बन रहा, क्वेश्चन घूम घूम के बन रहा है, उसी बात की कहानी, इधर से पकड़ता है उधर से पकड़ता है। तो मुश्किल तो हमें समझना सारी बातें हैं, सारे मुश्किल हो आसान हो जो भी है, जो हमसे ना हो वही मुश्किल लगता है, चीजों को ध्यान से समझना है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैन डीवी बाई डी टी ये बी जीरो इफ डीवी बाई डी टी इज जीरो, नॉट, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर सेवन, ये एट हो गया, ये नाइन हो गया, और ये टेन हो गया। अब आप बताओ ये है क्या, पहले ये से समझो, ये क्या बोलना चाहते हैं, डीवी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑब्वियसली विद टाइम ही पढ़ रहे, विद टाइम इज जीरो, और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, डीवी बाई डी टी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इज नॉट जीरो। कह रहे क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड का रेट ऑफ चेंज जीरो हो और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन है बट स्पीड कॉन्स्टेंट है, ऐसा हो सकता है? आंसर है यस, इन केस ऑफ बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद आया, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रह सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें एक्सीलरेशन होता है, याद आई या नहीं याद आई? देखिए यस सर, यस सर, ये लाइन लिखता, ये लाइन लिखता आपको तो आप मुझे आंसर बता देते, लेकिन मैंने कैसे किया क्वेश्चन को, क्या टिल्ट मारा, देखिए ध्यान से, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसको जल्दी से कंप्लीट करिए और इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए।
जिसको हिंदी में ज्यादा फील आता हो वो हिंदी लिख लेना कि है ना, और जिसको हिंदी अच्छी ना लगती हो बिल्कुल प्योर इंग्लिश में लिखना। ओके, चूज योर ओन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 11, कैन dv by dt not zero if dv by dt zero, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये क्या है, ये है एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। आंसर समझना है हमें, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है और स्पीड का रेट ऑफ चेंज dv by dt ऑफ स्पीड दैट इज नॉट जीरो। मतलब स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, जीरो नहीं है। मतलब स्पीड का रेट ऑफ चेंज जीरो नहीं, मतलब स्पीड लगातार चेंज हो रही है, यही मतलब हुआ ना, हम अपनी भाषा में समझते हैं ना, स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, तब एक्सीलरेशन तो होना ही होना चाहिए। तो दिस इज, बोलो हाँ या ना, गलत हो गया ना, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन तो होना ही होना है, एक्सीलरेशन होना चाहिए क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। भाई एक्सीलरेशन होने के दो कारण होते हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज होना, एक स्पीड चेंज होना, या दोनों चेंज होना, समझ रहे हैं? तो स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। तो कह रहे हैं एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। इज दिस ओके और नॉट ओके? यस सर। चलिए जल्दी फटाफट, तो ये जो ट्विस्टिंग, ये अगर आप ध्यान दें तो ये ब्रेन ट्विस्टर्स हैं बेसिकली, इस तरह घुमाया उस तरह घुमाया क्वेश्चन को। अगर आप, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो ये क्वेश्चन आपने गलत ही गलत करने हैं जब तक कि तुक्का ना लग जाए, और तुक्का नहीं लगाना चाहिए और ना नेगेटिव मार्क्स भी मिलते। चलिए कोई डाउट यहां तक किसी को भी, एनीवन? पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो। 11 क्वेश्चन हो गए, 12वें क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एन इंसेक्ट मूव्स 12 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ एंड 3 मीटर वर्टिकली अप, वर्टिकली अप परपेंडिकुलर टू प्लेन, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शंस आर ए बी सी डी। 19 6√5, 19 7√2, 19 5√3। कितना समझदार है, सारे 19 दे रखे मीटर, ऑब्वियसली ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है, चार में से कौन सा ऑप्शन है, निकालिए जल्दी। क्या वो, ये तो हो जाना चाहिए यार, आसान है। क्या कह रहे हैं, 12 मीटर ईस्ट फिर 4 मीटर नॉर्थ, तो 12 4, और फिर इसके भी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर की तरफ, तो उसको हम यूं मना देते हैं जस्ट ऐसी, कितना है 3 मीटर वर्टिकली। तो मैं बोलता हूँ 12 i कैप 4 j कैप और 3 k कैप, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बोलो, 12 i cap is for x axis, east को मैंने x माना, 4 j cap and 3 k cap, ये displacement है। तो आपके पास distance क्या हुआ, distance तो तीनों का sum हुआ, 12 plus 4 कितना होता है, 16, 16 और 3, 13, distance तो 13 है, लेकिन displacement क्या है, इसका magnitude, तो क्या होगा, 12 का square plus 4 का square plus 3 का square root,
that is 169 का रूट एंड दैट इज 13. ओके और नॉट ओके? तो डिस्टेंस तो 19 है ही, वो सब में ही दे रखा है उसने, है ना? क्लियर? यस सर. 12 प्लस 4 कितना 16, 16 प्लस 3 19. डिस्टेंस तो 19 है और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला वो देख लीजिए. 12 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप और आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया. फिर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट. इज दैट ओके और नॉट ओके? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर. अब आप इसके बाद ये ध्यान देंगे, जैसे हमने मैकेनिक्स का ये आज फर्स्ट क्लास लिए, तो अपना ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपके स्कूल के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपना जो बेसिक्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. अब इसके बाद मैं आपको कुछ बातें और बता रहा हूँ, ये सुनिए और इनकी कॉपी अपनी फेयर बना लेना. आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस, याद है ना? पढ़ी है? Yes, और साथ में इसके अलावा कुछ बातें याद रखना, 1, 2, 3. चौथी बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट कैन बी रिटन एज एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और एवरेज स्पीड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज यू प्लस वी बाई टू इनटू टाइम, लिख सकता हूं मैं. पांचवी बात, एस एनथ इज यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन. बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन, ये आपका स्केलर फॉर्म था. कौन सा फॉर्म था? स्केलर फॉर्म. अब इन्हीं इक्वेशंस को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में पहली इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ध्यान से देखिएगा, तो वेक्टर फॉर्म 2D में भी और 3D में भी चल सकता है. आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे v की वैल्यू दे रखी 2i प्लस 4j, u की वैल्यू दे रखी 7i प्लस 9j, a की वैल्यू दे रखी i, मान लीजिए कुछ भी, टाइम 10, तो आपके पास वेलोसिटी 2D और 3D में भी निकल सकती है वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले से. बोलो हाँ या ना? एस की वैल्यू क्या होगी? एस वेक्टर इज यू वेक्टर टाइम स्केलर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वेक्टर टी का स्क्वायर. इसी तरह ये वाली, तो इसमें क्या होगा, वी स्क्वायर. अब इसका सोच के बताओ, बाकी तो सब लिख लेते हैं. वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस, कैसे लिखोगे? वी स्क्वायर, ध्यान देना, वी डॉट, वी डॉट प्रोडक्ट नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट का रिजल्ट स्केलर होता है. यू स्क्वायर यू डॉट यू प्लस टू ए एस, तो ए वैक्टर डॉट एस वैक्टर. ये भयंकर है, ध्यान देना, ये भयंकर इसलिए अगर पता ना हो, पता है तो पता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो. यस सर. एस इज वी एवरेज का वेक्टर इनटू टाइम, तो व्हाट इज दैट, इनिशियल प्लस फाइनल का वेक्टर सम बाय 2 इनटू टाइम. ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं मैं, और आपके पास एस एन एथ तो सिंपल है, एस एन एथ इज वेक्टर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय 2 टू एन माइनस 1. यस और नो? मार्वेलस कॉन्सेप्ट, मार्वेलस कॉन्सेप्ट, एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे 2D और 3D के, अगर आपने मेरी बात को समझा हो तो. समझा है? और छठी बात, कहीं पर भी आपसे कोई बोले एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन की एवरेज वेलोसिटी, हमें मालूम है एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में यूं आ गया. तो ये क्या हुआ, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 ऑब्वियसली स्केलर. तो एवरेज वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज दिस मच. इज दैट ओके और नॉट ओके? अरे भाई बोलो भैया, क्लियर है? नोट करो फटाक से, इसको जल्दी से ऐड करो अपने उसमें. जल्दी नोट करिए, और कितनों को क्लियर है हाथ रेज करिए फटाफट, जिसको डाउट है वो बात करिए. तनिष्क निर्वाण
समझ में आ रहा है भाई? यस सर। मोनाली क्लियर है बेटा? देख लो किसी को डाउट हो तो पूछो। श्रेयांश क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब चलिए एक मिनट, अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन दूं आपको, यहाँ पर आते हैं हम थोड़ा। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इफ u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड v इज इक्वल टू 3i प्लस 9j, a is equal to 3j, find displacement of the particle. Question समझ में आया? बाकी तो अब u v a और s के बीच में रिलेशन कौन सा हमें याद आया? v square is u square plus 2a, s क्या आना चाहिए? v square minus u square upon 2a, तो वेक्टर फॉर्म बोलो। हाँ या ना? Got it? है ना? कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? कर लोगे? जल्दी करो, निकालो फटाफट से। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी फास्ट एवरीवन। क्या हुआ? v स्क्वायर का मतलब क्या है? v डॉट v याद है ना? अभी v डॉट v तो 3i9j डॉट 3i9j कितना आना चाहिए? 3 की जगह 9 प्लस 9 डॉट i 9 क्या हुआ? 81 90। u डॉट u क्या हुआ जल्दी बोलो? 4 प्लस 9 2 as 1d, यहां पर a और s, a कितना है? 3j और s मुझे पता करना है। क्लियर? तो ये आपके पास प्लस, तो ये हो गया आपके पास 13 और ये हो गया 19। 19 में से 13 को माइनस करो, 77। इज व्हाट? 2 इंटू 3 6 s डॉट j। s की वैल्यू क्या आएगी? अब s हमारा जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में आपके पास, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। इधर देखिए जरा, आपके पास अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वैसे अगर हमारे को टाइम दिया होता तो यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर से निकाल लेते, लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ तो यू वी और ए दिया हुआ है। मैं चाहूँ तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां से टाइम आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर है? टाइम यहां से आ जाएगा और फिर आप s निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर आपको दोनों कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के, इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में ब्रेक करना पड़ेगा, समझ गए? तो आपके पास ये आएगा 77, क्योंकि वेक्टर से डिवाइड तो आप कर ही नहीं सकते, तो ये आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और डॉट में आपके पास j कैप एक्सीलरेशन का, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? y, तो y कंपोनेंट में 77/6 आपका डिस्प्लेसमेंट।